and welcome to another video of Hotel Management Guru, and I am your host Vijay Singh. Today's topic for this video is what is the difference between baking and roasting. अगर आप इन दो टर्म्स को देखेंगे तो ये दोनों के दोनों एक तरह के टाइप्स ऑफ कुकिंग मेथड्स हैं जो कि हम बेसिकली फूड प्रोडक्शन में पढ़ते हैं. बट बीइंग एफएनबी सर्विस पर्सनल्स आल्सो वी शुड अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये जो टाइप्स ऑफ कुकिंग मेथड्स हैं ये हमारे लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है. अब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वी आर आल्सो एसोसिएटेड विद फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज. तो जो भी फूड विच इज इन द मेन्यू उसके बारे में द काइंड ऑफ प्रिपरेशन, द काइंड ऑफ कुकिंग मेथड, द काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट वी यूज, वो हमें पता होने चाहिए. तो मोस्टली पीपल दे आर कंफ्यूज्ड दैट व्हाट इज द इन दोनों में डिफरेंस क्या है. बेकिंग भी उनको सेम लगता है, रोस्टिंग भी उनको सेम लगता है. क्यों सेम लगता है? क्योंकि दोनों के दोनों ओवन में होते हैं. तो क्या इसका डिफरेंस है, इनमें क्या अंतर है, वो हम इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे. तो अगर आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं, अगर आप मेरे वीडियो को नए अभी पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज अच्छी वीडियो लगे तो सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड बेकिंग. अच्छा, इनको हमने तीन पैरामीटर्स में डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस को. पहला पैरामीटर रहेगा इनका स्ट्रक्चर ऑफ द फूड, दूसरी हम बात करेंगे इनके टेम्परेचर के बेसिस पे, तीसरा जो द प्लेसमेंट इन द अवन, कैसे इनको प्लेस करते हैं. तो अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ फूड की बात करूं तो इसमें अगर मैं बात करूं रोस्टिंग के अंदर जो स्ट्रक्चर है फूड का, मीन जो फूड आप अवन के अंदर रखते हैं, इट हैज टू बी हैव, इट शुड हैव अ सॉलिड स्ट्रक्चर. जैसे कि मटन हो गया, चिकन हो गया, या आपके कोई भी सॉलिड पोटैटो हो गया, ये आपका सॉलिड होगा. बट वहीं अगर मैं बात करूं बेकिंग में, तो बेकिंग में जो द प्रोडक्ट दैट यू यूज और जो एंड प्रोडक्ट निकलेगा, जो मेन प्रोडक्ट है उसको, दैट हैज, दैट इज नॉट द सॉलिड प्रोडक्ट, दैट इज द लूज प्रोडक्ट. अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर में यहां पे रोस्टिंग के लिए यू नीड अ हायर टेम्परेचर एज कंपेयर टू द बेकिंग. अप्रोक्सीमेटली आप लेके चलिए टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड फॉर रोस्टिंग प्रोसेस ऑफ एनी फूड इन द अवन, इट इज रिक्वायर्ड अबव 400 डिग्री फारेनहाइट. और वहीं अगर मैं बात करूं आपका अगर बेकिंग में, तो बेकिंग के लिए जो हम टेम्परेचर यूज कर सकते हैं या करते हैं, दैट इज अप टू 375 डिग्री फारेनहाइट. दो चीजें होगी. तीसरी चीज अगर हमने, जो मैंने आपको बताया कि प्लेसमेंट ऑफ द फूड इन द अवन, रोस्टिंग के लिए वट एवर द फूड दैट यू आर प्लेसिंग इन द अवन, इट हैज टू बी, इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज मैंडेटरी कि आप इसको कवर ना करके रखें, डायरेक्ट हीट इसके अंदर यूज होगी. वेयर एज अगर हम बात कर रहे हैं आपके बेकिंग के अंदर, तो जो भी आप प्रोडक्ट बेकिंग बेक होने के लिए रखते हैं उसको आप प्रॉपरली कवर करके रखते हैं, सो दैट उसके अंदर का जो मॉइस्चर है दैट कम्स इनटू डायरेक्ट हीट, एंड जो उसकी स्टीम प्रोड्यूस होती है वो स्टीम आप उसको क्या कर सकते हैं, उस स्टीम से आपका जो प्रोडक्ट है दैट सॉलिडिफाइज. तो दीज आर द थ्री पैरामीटर्स. शॉर्ट वीडियो थी, थैंक यू सो मच. अंडरस्टूड हो गया होगा, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो.